किसी भी प्रदेश में सरकार बदलती तो वो अपने हिसाब से अधिकारियों के स्थानांतरण करते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में बैठी कमलनाथ सरकार ने आते ही आनन फानन में आईपीएस आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण करना शुरू कर दिया है, जिसकी लिस्ट कल देर शाम घोषित की गई। इसी कड़ी में गुना कलेक्टर विजय दत्ता का स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह अब भास्कर लक्ष्यकार होंगे गुना के नए कलेक्टर। आपको बता दें कि लक्ष्यकार 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं। वहीं हाल ही में वे मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव हैं, जिनको श्रम विभाग एवं लोक स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण विभाग का भार भी दिया हुआ है। देखने लायक होगा कि नए कलेक्टर का कार्यकाल कैसे गुजरता है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव सर पर हैं। शिवपुरी जिले से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्यकार पूर्व में व्यापम के डायरेक्टर पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं गुना कलेक्टर विजय दत्ता का तबादला भोपाल में उप सचिव के पद पर हुआ है। अब श्री दत्ता उप सचिव के पद पर मध्य प्रदेश शासन का पदभार ग्रहण करेंगे।